अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेमोना एंड आई एम ब्यूटिशियन फ्रॉम मुल्तान। तो जी आज हम लुक देने वाले हैं अपने क्लाइंट को। ये बारात की ब्राइड हैं और हमने इनको ये लुक किस तरह से दी है ये पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। और जी सबसे पहले जी मैंने जो है स्टिक का यूज़ किया है यहाँ पर हमारी स्किन देख लें, स्किन क्लाइंट की देख लें। हमने यहाँ पर जो है क्राइलोन की स्टिक यूज़ की है और फाउंडेशन के साथ हमने बेस बनाई है। तो जी सबसे पहले हमने जो ली है क्राइलोन की स्टिक, इसके लिया है जी FS36 शेड। और जी इसको हमने अप्लाई कर लेना है फेस पे। इससे पहले मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ना तो प्राइमर यूज़ किया है मैंने या तो ना तो मॉइस्चराइज़ किया है फेस को। स्टिक जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ अगर आप प्राइमर का यूज़ करेंगे तो आपकी स्टिक बिल्कुल भी नहीं टिकेगी, वो हटना स्टार्ट हो जाती है और क्रैक्स पड़ जाते हैं थोड़ी देर में। तो आपने स्टिक के साथ कभी भी प्राइमर का यूज़ नहीं करना। अगर आप फाउंडेशन बेस बना रहे हैं तो उसके साथ आप प्राइमर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिक भी यूज़ की है और फाउंडेशन भी यूज़ की है। ये स्टिक अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है कि मैंने फाउंडेशन ले ली है, 2 शेड में मैंने फाउंडेशन ली है फेस इट की। फेस इट की फाउंडेशन देख लें आप, इस तरह से है HD, ये मैट है। 23 शेड एंड 27 शेड मैंने मिक्स करके अप्लाई किया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको पूरे फेस पे हमने ब्रश की मदद से अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर को हमने एक पानी के बाउल में डिप करके रख देना है। उससे क्या होगा कि आपका जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ब्यूटी ब्लेंडर जो है, उससे आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। वो थोड़ा सा फूल जाता है, उसको क्या करना है, आपने बहुत अच्छे से उसमें से पानी निचोड़ लेना है। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप लगेगा, आपके क्रैक्स नहीं पड़ेंगे ब्लेंडिंग में, सॉरी बेस में। जब आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बेस काफ़ी देर तक स्टे करती है और उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ते, ना ही आपके लाफ लाइंस पड़ती हैं, बिल्कुल भी आपकी बेस ख़राब नहीं होती। और यहाँ पर जी मैंने काशिश का लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, 02 शेड और 09 शेड 2 कॉम्पैक्ट पाउडर लिए हैं। एक जो है पिंक में है, जो 09 है वो पिंक शेड में, और 02 जो है वो थोड़ा लाइट शेड है। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा हाइलाइटिंग एरिया है उस पर हमने क्या करना है कि हमने 09 शेड लगाना है जो पिंकिश टोन में है। अगर आपके पास कोई बहुत ही फेयर है तो आपने उसको अप्लाई कर लेना है, अगर नहीं है तो फिर आपने जैसे कि हमारी नोज़ है आइज़ के नीचे, फोरहेड के मिड में और चिन पे, और जी अपने अपर लिप्स पे जो है हमने ये जो पिंकिश सा शेड है काशिश का 09 शेड उसको हमने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी लाइट सा शेड है जिसके साथ आपको लगता है कि आपके एरियाज़ को हाईलाइट करना है तो उसको क्या करना है, आपने बहुत ही लाइट से शेड के साथ यहाँ पर, आप यहाँ पर लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आइज़ के नीचे, फोरहेड पे और नोज़ एरिया पे, जहाँ जहाँ पे ये मतलब कि हमने हाईलाइट करना है फेस को। तो जी यहाँ पर जो बाकी जो हमारी फाउंडेशन है जो मतलब कि फोरहेड के साइड्स पे है, नीचे चीक्स पे है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, 02 शेड लगा दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने एक्वा का ब्राउन शेड लिया है और उसको आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे, इसके साथ हमने फिलिंग कर लेनी है बहुत अच्छे से। और इसको मैंने थोड़ा सा वेट किया है, वेट करने के बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें और बहुत कुछ सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी यहाँ पर मैं HD का जो है प्राइमर यूज़ कर रही हूँ आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर, सॉरी आइज़ को कंसील करने के लिए। पूरी आइज़ का हम लोग कंसील कर लेंगे और इसको बहुत अच्छे से ब्रश की मदद से इसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ नहीं किया, इसको जस्ट मैंने ऐसे ही इसकी ब्लेंडिंग करके तो मैंने इस पर शेड्स अप्लाई कर दिए हैं। ब्रश की मदद से हमने इस तरह से बहुत अच्छे से आइस के ऊपर से भी ब्लेंडिंग कर लेनी है। उसके बाद जो हम आइस स्टार्ट करने वाले हैं तो जी आइस के लिए मैंने मेकअप के लिए मैंने ली है आकाशिस की आर्टिस्ट ट्राई पैलेट, उसमें से लिया है जी मैंने ये ब्राउन सा शेड। इसको हमने अप्लाई कर लेना है अपनी क्रीज लाइन पे रहते हुए, आउटर कॉर्नर पे रहते हुए, और क्रीज लाइन पे हमने इस तरह से इसकी हाफ क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर ली है।